कि भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल की जो कार्यशैली पूरे देश में चल रही है, पूरे देश में जो भी विपक्ष की प्रखर आवाज़ किसी भी प्रदेश किसी राज्य में है, किसी भी पार्टी में हो, जो भाजपा के विपक्ष में है, उस आवाज़ को दबाने के लिए, कुचलने के लिए सरकारी एजेंसीज़ का खुल के दुरुपयोग किया जा रहा है। ये कोई नई, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। सोनिया जी से, राहुल जी से लेकर खड़गे जी तक, अशोक गहलोत जी से लेकर भूपेश बघेल तक, कमलनाथ जी से लेकर हुड्डा साहब तक, और अन्य पार्टियों में भी जो हमारे इंडिया अलायंस की पार्टनर है, चाहे आम आदमी पार्टी नेता हो, चाहे किसी और पार्टी के नेता हो, केवल विपक्ष को इशारे से लिया जा रहा है। देश के लोकतंत्र के हक में बात नहीं हो सकती। और जो नेता भाजपा ज्वाइन कर जाते हैं, बड़े बड़े जिन पे मुकदमे होते हैं, रातों रात उनको छूट दे दी जाती है। ये हरियाणा के अंदर भी दो उदाहरण है, चाहे वो जेजेपी के नेतागण हो, चाहे वो अभी आदमपुर के हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक जो अभी भाजपा में पीछे ज्वाइन हुए थे। तो इस तरह के उदाहरण पूरे देश में देखे जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र के हक में ये नहीं है, और ये इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर, पूरा देश चुनावी मोड में आ चुका है। आज की डेट में बात करें, पूरे देश में एक महादेव ऐप है, वो बड़ा चर्चाओं में रहा है और ₹508 करोड़ का क्या मामला, सर क्या कहें? देखिए, उस विषय की डिटेल की जानकारी मेरे पास नहीं है, ना मैंने उसका अध्ययन किया, लेकिन एक जो है स्वाभाविक बात है, हो ही नहीं सकता कि ईडी और सीबीआई किसी प्रदेश में चुनाव हो और वहाँ पे विपक्ष के से जो भी नेतृत्व कर रहा हो उसके घर ना पहुँचे। ये तो अब मैं समझता हूँ कि जो है, जैसे वो कर्नाटक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पास ईडी और सीबीआई पहुँची, उसके बाद हमारी प्रचंड जीत हुई। इसको तो हम एक अच्छा जो है एक अच्छा संकेत मानने लग गए हैं। जैसे पाकिस्तान से टीडी आती है, ऐसे चुनाव से पहले बीजेपी की ईडी आती है, ये स्थिति हो गई है। और इसको हम अच्छा संकेत मानते हैं। कर्नाटक में इन्होंने किया, हिमाचल में किया, दोनों जगह कांग्रेस पार्टी जीती, और अब ये जिन तीनों प्रदेशों में इन्होंने किया है, यहाँ भी कांग्रेस पार्टी चारों प्रदेश